स्टार्टिंग में क्लास 10 में अगर तुम्हारा मार्क्स यहाँ पर आता था, यानी कि 90s, 80s, 70s में आता था, तो अभी तुम्हारा 40s, 50s एंड 60s में मार्क्स आए. तुम ऐसा सोचोगे कि क्लास 10 में बोथ्स होता है, फिर क्लास 12 में बोथ्स होता है, 11 और 9 का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर लेना देना है. डेफिनेटली तुम ऐसा बोलोगे बिकॉज ये जो है क्लास 11 में स्टार्टिंग में सबका एक ऐसा टाइम आता है, मैथ्स में, फिजिक्स में तुम्हारा मार्क्स बहुत ज्यादा कम आएगा, लेकिन तुम्हें क्या करना है. सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड. तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले व्हाट आर द 5 मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड इन योर क्लास 11. नाउ आईसीएसई 2021 बैच स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गया, चाहे सीबीएसई हो चाहे आईसीएसई स्टूडेंट्स हो, सभी का क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गया. नाउ यू हैव बीन प्रमोटेड टू क्लास 11. So class 11 में what are the 5 mistakes that you need to avoid, we will be discussing that in this video. इसके साथ साथ don't worry results को लेकर काफी students मेरे से comment section में पूछ रहे थे. So don't worry results में बहुत जल्द results भी आ जाएगा. इसके साथ साथ तुम्हें पता होगा recently एक video में मैंने तुम्हें बताया था, inform किया था कि अभी council ने average marks मांगा है सारे school से. So they need to do it latest by 22nd, यानी कि results का high chances है कि जून में आएगा, लेकिन अभी हमें class 11 start करना बहुत जरूरी है. सो क्लास 11 में क्या क्या मिस्टेक्स है जिसको तुम्हें अवॉइड करना है, उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि तुम्हें स्टार्टिंग से पता होना चाहिए, ताकि तुम अगर तुम्हें अभी से पता है सो डेफिनेटली यू विल नॉट रिपीट द सेम थिंग, राइट. डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 में क्या क्या मिस्टेक्स है जिसको कि अवॉइड करना चाहिए. मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो अमंग ऑल योर फ्रेंड्स. सो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो. See, first and foremost thing which is important here is that overconfidence. अभी जो है तुम लोग क्लास 10 से क्लास 11 में जा रहे हो. क्लास 10 में नॉर्मली अगर हम देखें तो इस बार तो पैंडेमिक ईयर था, दिस इज अ पैंडेमिक ईयर अगेन. एंड इसके साथ साथ ये बैच के लिए बोर्ड एग्जाम्स लास्ट बैच के लिए क्या हुआ था, 2020 बैच स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्स, कुछ एग्जाम्स बाकी था जो कि कैंसिल हो गया था फाइनली एट लास्ट. लेकिन यहाँ पर तुम्हारा एक भी बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हुआ है. सो पैंडेमिक की वजह से बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गया, ऑल ऑफ यू नो दैट. बट हियर अभी रिजल्ट्स भी है, रिजल्ट्स भी तुम्हें डोंट वरी अच्छा ही मिलेगा, रिजल्ट्स जो भी मिले. बट यू हैव टू अवॉइड बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट बिकॉज अभी जो है क्लास 11 में तुम जा रहे हो. एक बात तो ध्यान रखना कि तुमने एग्जाम्स नहीं दिया. सो कुछ लोग ने तो प्रिपरेशन किया था, सब कुछ पढ़ा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा था. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी क्लास 11 में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है. तुम ये सोचोगे कि लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम अगर तुम कर लोगे, क्लास 10 में शायद ये पॉसिबल है कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, अगर तुम अच्छे से लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम करते हो तब भी चांसेस है अच्छा मार्क्स स्कोर करने का. 80+ यू कैन गेट इफ यू डू इट लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम. लेकिन यहाँ पर क्लास 11 और 12 में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. सो डोंट गेट ओवर एक्साइटेड. अभी तुम्हारा रिजल्ट्स भी आएगा कुछ दिन बाद, तो रिजल्ट्स आएगा तुम्हें अच्छा परसेंटेज मिल जाएगा. अगर सपोज तुमने 9, जैसे कि तुम्हें पता है कि 9 के बेसिस पे क्लास 9 का फाइनल रिजल्ट और क्लास 10 में जो भी एग्जाम्स कंडक्ट हुआ है उसके बेसिस पे तुम्हें रिजल्ट मिलने वाला है, राइट. सो रिजल्ट्स विल बी मेड ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस. सो डोंट गेट ओवर एक्साइटेड. अगर तुम्हें बहुत अच्छा मार्क्स भी मिल जाए तो यू डोंट हैव टू बी ओवर कॉन्फिडेंट बिकॉज क्लास 11 इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम क्लास 10. ऐसा मत सोचना कि क्लास 10 में हो गया तो क्लास 11 एंड 12 में भी हो जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज डोंट फील रिलैक्स्ड. अभी जो है क्लास 11 में तुम ऐसा सोचोगे कि क्लास 10 में बोथ्स होता है, फिर क्लास 12 में बोथ्स होता है, 11 और 9 का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर लेना देना है. वाई? बिकॉज अभी जो है क्लास 9 में देखो, इस बार बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुआ, इस बार तुम्हें पता है कि एग्जाम्स कैंसिल हो गया क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम्स ड्यू टू द पैंडेमिक सिचुएशन. तो अभी देखो क्लास 9 फाइनल मार्क्स, फाइनल रिजल्ट, दिस इज बीइंग टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल प्रोवाइडिंग यू और व्हाइल अवॉर्डिंग यू द मार्क्स. तो अभी क्लास 11 भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्लास 12 है. और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है क्लास 9 और 10, जैसे कि 9 का बुक्स, 10 का बुक्स, 9 का बुक्स सेम रहता है. मेरे स्कूल में भी क्लास 9 में क्लास 10 का ही बुक्स फॉलो होता था. सो दिस इज द थिंग. और तुम्हारे स्कूल्स में भी डेफिनेटली हुआ होगा, अगर हुआ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना. क्लास 9 और 10 में आईसीएसई स्कूल्स में सेम बुक्स होता है ताकि सिलेबस अच्छे तरीके से कवर हो पाए. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि 11th का मार्क्स कोई देखेगा ही नहीं क्लास 11 का. क्लास 11 में रिलैक्सेशन है, फिर क्लास 12 में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. सो डेफिनेटली नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. अगर क्लास 11 में तुमने क्लास 11 स्टार्टिंग में तो सबको प्रॉब्लम होगा बिकॉज क्लास 11 इज डिफिकल्ट. मूविंग फ्रॉम क्लास 10 टू क्लास 11, दिस इज अ बिग जंप. अगर तुम्हारा क्लास 10 का प्रिपरेशन लेवल यहाँ है, फिर भी क्लास 11 में आकर मार्क्स इतना हो जाता है.
सो दिस इज द थिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लास 11 को भी सीरियसली लेना है. टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड. तुम्हें क्लास 11 में बुक्स मिलेगा, क्लास 12 में अलग बुक्स रहेगा. तो बुक्स तो डिफरेंट रहेगा, लेकिन क्लास 11 में अगर तुम्हें क्लास 11 का कुछ भी कॉन्सेप्ट या फिर कुछ भी पार्ट है जो समझ में नहीं आया, फिर क्लास 12 में तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा बिकॉज द टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लास 11 ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रिलैक्सेशन है. अदर क्लास 10 में तुम जितना प्रिपरेशन करते थे, जो भी करते थे, लेकिन 11 में और भी ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर क्लास 11 डिफिकल्ट होता है. क्लास 11 इज डिफिकल्ट. नॉट वेरी श्योर अबाउट द अदर स्ट्रीम्स, बट इफ यू हैव टेकन साइंस और इफ यू आर गोइंग टू ऑप्ट साइंस, देन प्रिपरेशंस करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा. नेक्स्ट चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मे बी यू डोंट हैव बुक्स राइट नाउ. तो अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं होगा. कुछ स्टूडेंट्स ने शायद बुक्स अभी परचेस किया होगा, लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं होगा, राइट? तो अभी जो है, अभी ट्राई करो अपने सीनियर से एक बार बुक्स को मांगो, बुक्स देखो क्या क्या चैप्टर्स है, एटलीस्ट कंटेंट, एटलीस्ट यू नीड टू सी द कंटेंट, क्या क्या चीज है, अच्छे तरीके से बुक्स देखो. चाहे कोई भी स्ट्रीम से तुम बिलोंग करते हो या फिर तुमने जो भी स्ट्रीम सिलेक्शन किया है उसके ऊपर, उसके बेसिस पे तुम सीनियर्स से, अपने सीनियर से बुक्स मांग सकते हो. एक बार बुक्स को अच्छे तरीके से देखो, या फिर तुम्हारा कोई भी भाई बहन, कोई भी हो सिबलिंग्स, उससे भी बुक्स मांग कर देख सकते हो. अगर तुम सेम स्ट्रीम में हो, अगर बुक्स है तुम्हारे पास अवेलेबल, तो जरूर एक बार बुक्स को ओपन करके जरूर देखना कि क्या क्या कंटेंट है. जबकि तुम क्लास 11 का एक बार प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे, और जबकि मिड ऑफ क्लास 11 होगा, तब तुम्हें ये पता चलेगा कि क्लास 10 का जो चैप्टर्स था, फिजिक्स था, मैथ्स था, दैट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड इट वॉज नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस थिंग, दैट इज क्लास 11. क्लास 11 का बुक्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट, सिलेबस इज डिफरेंट, इट इज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू क्लास 10. दोनों के बीच में स्काई और लैंड का डिफरेंस है. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी से प्रिपरेशन करना. हियर आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, बट रादर आई एम टेलिंग यू द लेवल ऑफ प्रिपरेशन दैट यू नीड टू डू. सो डोंट वेस्ट योर टाइम जस्ट लाइक दैट. इट्स नॉट द टाइम फॉर यू टू रिलैक्स एट दिस मोमेंट, रादर मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम. डू योर प्रिपरेशन फॉर क्लास 11. एंड इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स जेई नीट एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी से स्टार्ट कर दो. डोंट वेट फॉर योर स्कूल्स टू बिगिन विद द ऑनलाइन क्लासेस, देन यू आर गोइंग टू कंप्लीट इट. पैंडेमिक सिचुएशन है, सो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल इसका तो छोड़ ही दो. तो इसके लिए तुम क्या कर सकती हो, यूट्यूब पर वीडियोज बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत सारा कंटेंट है क्लास 11 एंड 12 के लिए, तो तुम वो सब देख सकते हो, वो सारा चीज को फॉलो कर सकते हो. बहुत सारा स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स भी तुम्हें मिल जाएगा. और इसके साथ साथ जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स कहीं से भी नहीं मिल रहा है, यू कैन डाउनलोड ebooks also. ebooks भी अवेलेबल है. यू नीड टू फाइंड आउट ebooks. अगर तुम्हें कहीं से भी ebooks मिल रहा है, तो ebooks को डाउनलोड कर तुम अभी के लिए रेफर कर सकते हो, राइट? सो दिस इज द थिंग. अच्छा, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हें अब लिखना स्टार्ट करना है, नोट्स बनाना स्टार्ट करना है. क्लास 10 में शायद तुम नोट्स नहीं बनाते होगे, बस ऐसे ही कोई भी टीचर्स, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चला इस टाइम ऑनलाइन क्लासेस चला, तो मे बी जस्ट ऑनलाइन क्लासेस में जो भी कराया गया, मे बी यू हैव नॉट नोटेड इट डाउन, या फिर जो भी हुआ. लेकिन अब क्लास 11 से हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर का, हर एक नोट्स को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लास 11 में तुम्हें नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लास नोट्स का, हर एक टॉपिक का नोट्स, तुम्हें नोट्स प्रिपेयर करना है. मेक श्योर दैट यू कीप दोज नोट्स सेफली, बिकॉज अभी जो है बुक्स खाली देखने से कुछ नहीं होगा. अब ऐसा नहीं है कि क्लास 10 के तरह तुम डायरेक्टली बुक से भी अगर कुछ भी पढ़ोगे या फिर बुक से करोगे तो हो जाएगा. यहाँ पर बुक से तुम्हें कुछ भी समझ आने वाला नहीं है, तुम्हें बुक्स के बदले नोट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, नोट्स को फॉलो करना पड़ेगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर तुम ऐसा अभी से नहीं करते हो, एक चैप्टर हो गया, ये मैं स्टार्टिंग में क्यों बोल रही हूँ मिस्टेक्स, बिकॉज अगर तुम अभी कुछ नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, ऐसे कर करके लास्ट में तुम्हें एग्जाम्स के टाइम, अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं है, अगर तुमने अच्छा नोट्स प्रिपेयर नहीं किया है, खुद से हैंड रिटन होना चाहिए तुम्हारा नोट्स, डेफिनेटली ऑल ऑफ यू नो दिस, मैंने बहुत बार बोला है कि नोट्स तुम्हारा ओन हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए. तो अगर वो सब तुम प्रिपेयर नहीं करते हो, तो तुम्हें बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा. सो मेक श्योर दैट यू मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स एंड फॉलो इट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस. लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम नोट्स आर द बेस्ट फॉर रिविजन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लास 10 में तुम्हारा डेफिनेटली स्टार्टिंग से ही अच्छा मार्क्स आता होगा, जो भी आता होगा. लेकिन अब क्लास 11 में थिंग्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट. क्लास 11 में क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा, जबकि तुम्हारा एग्जाम्स होगा स्टार्टिंग में, तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी, जो भी एग्जाम्स हो या फिर कोई यूनिट टेस्ट होगा, जो भी होगा स्टार्टिंग में, कुछ भी टेस्ट होगा, तो तुम्हें क्या होगा स्टार्टिंग में. क्लास 10 में अगर तुम्हारा मार्क्स यहाँ पर आता था, यानी कि 90s, 80s, 70s में आता था, तो अभी तुम्हारा 40s, 50s एंड 60s में मार्क्स आएगा.
दिस हैपन्स विद ऑल ऑफ अस डेफिनेटली, सबके साथ ऐसा होता है. क्लास 10 से क्लास 11 इज अ बिग जंप, मैंने बहुत बार बोला है, तो ऐसा होता है डेफिनेटली. मेरे साथ भी ऐसा हुआ था क्लास 10 में, सबके साथ होता है क्लास 10 से क्लास 11 में जाने पर. क्लास 10 में यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, बुक्स आर डिफरेंट, बुक्स जो होता है ईजी होता है एज कम्पेयर टू क्लास 10. तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्लास 9 और 10, क्लास 11 एंड 12 के सामने कुछ भी नहीं था. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जो है एक ऐसा फेज आने वाला है क्लास 11 में, तुम्हारे पास एक ऐसा फेज होगा जबकि तुम्हें क्लास 10 जो है तुम क्लास 10 को याद करोगे. तुम ये बोलने लगोगे कि क्लास 10 तो कुछ था ही नहीं इसके सामने, क्लास 10 वॉज वेरी वेरी ईजी. डेफिनेटली तुम ऐसा बोलोगे बिकॉज ये जो है क्लास 11, क्लास 11 में स्टार्टिंग में सबका एक ऐसा टाइम आता है, मैथ्स में फिजिक्स में तुम्हारा मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आएगा. लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ, तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है अभी से प्रिपरेशंस करना, अभी से सीरियसली लो. अभी जो है अगर मार्क्स डिक्रीज भी होगा, मार्क्स कम आएगा स्टार्टिंग में, अगर मार्क्स उतना अच्छा नहीं आएगा तो भी तुम्हें डीमोटिवेट नहीं होना है बिकॉज ये सबके साथ होता है. डेफिनेटली जो बहुत अच्छा मार्क्स जो कि क्लास 10 में जिनका 90% आया उनके साथ भी ऐसा होता है. तो स्टार्टिंग में क्लास 11 का मिड में जबकि टेस्ट एंड ऑल यूनिट टेस्ट या फिर तुम्हारा हाफ ईयरली जो भी एग्जाम्स होगा, यू विल गेट डीमोटिवेटेड, बट डोंट लूज होप. हैपेंस विद मैक्सिमम स्टूडेंट. बट धीरे धीरे करके तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि क्लास 11 में किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से मार्क्स स्कोर करना है. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो धीरे धीरे कर पहले मार्क्स कम आएगा, उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे कर ये समझ आने लगेगा कि किस तरह से पढ़ना है, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो मैथ्स हो, मैथ्स को किस तरह से करना है ताकि एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स आए. बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास 10 में जिनका मैथ्स में 90+ आता था, अभी क्लास 11 में आने के बाद उनका क्या होता है, क्लास 11 में आने के बाद उनका 40s और 50s के लाइन में आता है, कुछ लोग तो फेल भी हो जाते हैं बॉर्डर पे. सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11 एंड 12 का मैथ्स को भी सीरियसली लेना. मैथ्स देखो, और कोई सब्जेक्ट्स तुम करो या फिर ना करो, फिजिक्स और मैथ्स को अभी से स्टार्ट करो. स्कूल्स में जितना कंप्लीट हो रहा है उससे पहले प्री हैंडेडली कुछ पढ़ के रखो, कुछ कंप्लीट करके रखो, ताकि स्कूल्स में जब तुम्हें स्टार्टिंग में समझाया जाए तो स्टार्टिंग में फ्रेश स्टार्ट है तो तुम्हें थोड़ा एटलीस्ट यू विल बी एक्साइटेड. अगर तुमने कुछ भी कर रखा है, अगर टीचर सेम कुछ भी कराते हैं, सो डेफिनेटली यू गेट अ लिटिल बिट एक्साइटेड एंड यू आंसर ऑल्सो. एंड जब टीचर्स कुछ क्वेश्चन पूछते हैं सो डेफिनेटली यू आंसर ऑल्सो, दैट वे यू डोंट गेट बोर्ड दैट वेरी इजिली. अगर स्टार्टिंग में तुम क्लास 11 में एक्साइटमेंट नहीं लाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बोर्ड लगने लगेगा और ऐसे ही करके क्लास 11 चला जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा. और फिर तुम्हारा क्लास 11 में मार्क्स अगर अच्छा नहीं आता है तो फिर क्लास 12 में बहुत मुश्किल है. क्लास 12 में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा बिकॉज टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड, एज आई हैव सेड यू अर्लियर, टॉपिक्स आर इंटर रिलेटेड. उसके बाद क्लास 12 में कैचअप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा. सो जो भी मैंने बोला, ये 5 मेजर मिस्टेक्स है जो कि तुम्हें ध्यान रखना है क्लास 11 का अभी स्टार्टिंग है. इसके साथ साथ तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि क्या तुम्हारे पास क्लास 11 का अभी बुक्स अवेलेबल है या फिर अभी बुक्स नहीं है और तुम ऐसे ही प्रिपरेशंस कर रहे हो, यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हो, क्या कर रहे हो, बुक्स है या फिर नहीं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. आई विल बी रीडिंग ऑल योर कमेंट्स. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.